अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि इमाम ज़माना से उनकी मुलाकात है। इमाम ज़माना अज़ल्लाह ताला फ़रजो शरीफ से जब वाले, यहाँ ब्रैकेट में एक मौजू में बयान करता चला जाऊँ। अक्सर लोग मुतमन्नी हैं, होना भी चाहिए, हमसे भी सवाल करते हैं कि मौलाना साहब इमाम ज़माना से मुलाकात कैसे हो। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं कि बड़े आराम से कह भी देते हैं, सुन भी रहे होंगे, कहते हैं आगा साहब हमारी भी इमाम से मुलाकात करा दीजिए। तो देखें, बात यह है कि फ़लसफ़ा गैबत ये है कि इमाम गैबत में रहे। फ़लसफ़ा है ये, इमाम गायब है, मुझे मुतमन्नी मुश्ताक इश्क होना चाहिए कि मेरी इमाम से मुलाकात हो, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपने अमालों को वैसा करूं जैसा इमाम चाहता है। अब अगर इमाम चाहेंगे तो मुझसे मिल लेंगे, खूब अगर इमाम नहीं चाहेंगे तो मुझे इसमें यह नहीं होना चाहिए कि मतलब इमाम तो मिल नहीं रहा, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है जाने मोहतरम, इमाम जहां बेहतर समझते हैं किसी से मिल रहा हूं मिल लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी वाकयात हैं कि जहां इमाम मिले हैं मगर इमाम ने बताया नहीं कि वह इमाम है, बाद में इंसान को महसूस होता है, एहसास होता है। तो इमाम का वजूद हर जगह है। इमाम ऐसे नहीं कि आप बोलें कि भाई यहां इमाम नहीं होंगे, वहां इमाम नहीं होंगे, या फलानी जगह इमाम नहीं होंगे, या सिर्फ इमाम बारगाह में इमाम होंगे। नहीं अज्जान, इमाम हर जगह है। क्यों? खुदा की कुदरत है। खुदा जिसको 1100 साल से ज्यादा जिंदा रख सकता है, खुदा उसे हर जगह भी रख सकता है। खूब ये अकीदा और ईमान होना चाहिए कि इमाम देख रहे हैं और इमाम हर वक्त देख रहे हैं। आप ही घबराए नहीं कि अभी आपको नहीं देख रहे, इमाम अभी भी आपको देख रहे हैं, इमाम हमें देख रहे हैं, हमारे अमाल इमाम तक जाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हफ्ते में बाज़ रिवायात 2 दफ़ा कहती हैं, लेकिन जाते वक्त क्या हम अपने इमाम हमारे अमाल नामा देख कर खुश होते हैं या गिरिया करते हैं? 2 कंडीशन से ज़्यादा तीसरी कंडीशन नहीं है। अब मैं कोई भी अमल करूं, ये देखूं कि मेरा मौला मेरे इस अमल से राजी है या नहीं है। तो अगर तो मैं इमाम की खुशनूदी के लिए काम कर रहा हूं तो खुशबहाल, और अगर खुदा ना खास्ता अज़ीज़ान मोहतरम मैं अपने इमाम को नाराज कर रहा हूं तो मैं कैसा मोमिन हूं जो अपने मौला को तकलीफ दे रहा हूं।